वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे आप लोग? सजन रे पास तो आना ना, कभी मुझे छोड़ के जाना। ये रहा हम लोग का एंटोर्क 125 रेस एडिशन, जो कि सेकंड सर्विसिंग होने के बाद पे न्यू जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है वो आप लोग को दिखा रहे हैं। इसको लेने के बाद पे क्या क्या दिक्कत आने वाला है सेकंड सर्विसिंग के बाद, देख सकते हैं। एक पहला लगता है चिपका दिया गया है सिर्फ, और एक यहाँ पे देख सकते हैं ये कहाँ से स्क्रैच आया वो नहीं पता। गाड़ी गिरता तो इधर भी स्क्रैच आता, पर इधर कहीं नहीं है, ये स्क्रैच देख सकते हैं। और गाड़ी मात्र चला है 5300 कुछ अभी पे, सेकंड सर्विसिंग होने के बाद पे। और एक दो प्रॉब्लम है इस पे, जैसे कि गाड़ी चलाते टाइम यहाँ पे जो है ये हैंडल यहाँ पे लगता है अंदर से, जैसे कि नहीं होता है कंचा वगैरह डाला हुआ वैसा बड़ा आवाज़ आता है अंदर से, चूड़ी उड़ी डाल दिया वैसा वाला छनाछन छनाछन आवाज़ आता है। और एक प्रॉब्लम है इधर देख सकते हैं, ये क्या है, एयर फिल्टर जो है यहाँ से शायद लूज़ हुआ या क्या हुआ पता नहीं, पर ये पोजीशन जो है इस पर सट रहा है ये पोर्शन, और जिससे यहाँ इसको घसीटे घसीट घसीट के धीरे 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 ये पूरा घसीट के इसको छिल देगा, जो कि कुछ छिल चुका है। और एक प्रॉब्लम इस पर और एक है, जो इसका सस्पेंशन लूज है शायद, जहाँ तक कि हम देखें अभी उतना लूज नहीं है, पर पे लीन करने पे बताया जा रहा है जो ये डिसबैलेंस हो जा रहा है ऐसे पे, अगर हाई स्पीड पे रहा डिसबैलेंस हुआ तो बस गाड़ी के साथ साथ झोप में हम लोग। क्या हुआ था, गाड़ी ऐसे खड़ा ही था और उसके बाद ये जो है ये पोर्शन इधर जाके और थोड़ा अंदर जाके पूरा लॉक हो गया और खुल ही नहीं रहा था, ये जो है यहाँ से लॉक हो जाता है अपने आप। वो चीज़ ज़्यादा बड़ा बात नहीं है, आप लोग का एंटोर्क के साथ भी होगा। और एक प्रॉब्लम इसका जो है, मतलब कि शुरू से ही है, जब से गाड़ी परचेज की है तब से, अच्छा ये शुरू से प्रॉब्लम है, ये इसका हैंडल वाला देख सकते हैं, इसका एंगल मिला के देखिए आप, यहाँ से स्ट्रेट है ये जो जगह है ये स्ट्रेट है, और ये देखिए यहाँ से थोड़ा इधर भगा हुआ है, ये रहा ये पोर्शन इधर भगा हुआ है, ये शुरू से सुधारने के बाद भी नहीं सुधरा। अब देखते हैं क्या क्या इस पे होता है, अभी पे जाते हैं शोरूम करवाते हैं, ठीक तो मिलते हैं शोरूम पे। तो पहुँच चुके शोरूम, वहाँ पे हो रहा है पर वर्क, और ये रहा गाड़ी आज पे पहले पे सर्विसिंग हो रहा वाटर सर्विसिंग। ये रहा गाइस टीवीएस शोरूम का न्यू अपग्रेड, जो कि काफ़ी सालों के बाद हुआ है। यहाँ पे एक बड़ा सा टीवी और एक बड़ा सा टेबल लगा हुआ रहता है, और सोफ़ा था एकदम आदम जमाना का, टीवी भी आदम जमाना का, अब पे अपग्रेड करके ये सोफ़ा, इधर सोफ़ा लगा दिया गया है, और ये रहा डाइनिंग, ये वेटिंग रूम का है यहाँ का। इधर चढ़ चुका है एंटोर, अब पे स्टार्ट हो गया इसका काम, फिर पे मोबिल भी गिरा दिया गया है, एयर मोबिल फिल्टर भी खुल गया है, अब पे जो जो प्रॉब्लम है वो सब देखते हैं ठीक करवाते हैं, और हैंडल का भी प्रॉब्लम इसका भी ठीक करवाएंगे, देखते होता है कि नहीं, देख सकते क्या क्या निकला है अभी इस पर खुल के, मोबिल भी गिर चुका है और एयर फिल्टर भी निकाल दिया गया है, देख सकते एयर फिल्टर खा दिया और वो रहा है सर। वो बगल वाला जो पैनल है गाइस, ये वाला जो है इसको खोला जा रहा है, क्योंकि उसको खोलने के बाद पे पता चलेगा जो कैसे ठीक होगा वो प्रॉब्लम, क्योंकि अभी पे जो वो एयर फिल्टर पर हम गैप देखें, वो जो गैप है लगभग दिखा सकते देख सकते आप लोग, ये अंगोली भी इधर से क्रॉस नहीं हो रहा है, एकदम दब जा रहा है अंगोली। और एक चीज़ दिखाते हैं आप लोग को भी, वही सेम है रेस एडिशन, वही BS7 मॉडल ही, यहाँ पे गैप देख सकते हैं, ये फिंगर क्रॉस हो जा रहा है देख सकते हैं, अब वहाँ पे ये फिंगर क्रॉस ही नहीं हो रहा, पूरा चिपक गया है, जो गैप रहता बहुत कम हो चुका है, देखते हैं कैसे ठीक होता है वो। देख सकते हैं वो पोर्शन खुल चुका है, दो वो पैनल खुला, एक वो और वो जिसके वजह से वो खुला, अब पे ये पैनल खोलना पड़ेगा क्योंकि प्रॉब्लम यही है, हो गया गाइस प्रॉब्लम सॉल्व। वो जो नट है वो ये जो है इसको टाइट करता है, वो जो रहा उसके अंदर पे एक बोल्ट जो होता है बोल्ट डाला गया है अंदर से, जिसके वजह से इसका जो थोड़ा ये लेंथ होता है वो बढ़ गया, जैसे ये देख सकते हैं अभी वो वाला बोल्ट हाथ पे है उनका, वो बोल्ट डाल के उसको टाइट कर दिया गया, जिसकी वजह से उसका हाइट थोड़ा ऊपर हो गया, ज़्यादा भी ऊपर हो जाएगा तो दिक्कत है, उसके लिए दूसरा बोल्ट ला रहे हैं जिससे उससे पतला रहे। ये जो पोर्शन है ये जगह पे एक बोल्ट डाल के फिर ऊपर से चढ़ा देगा, बस हो जाएगा। सकते इसका अंदर का सिस्टम, ये रहा इंजन का हेड,
बाकी देखते हैं आगे वाला कितना देर पे ठीक करते हैं, दिखाते हैं वो सब आपको। गाइस इतना चीज़ आपको फेस करना पड़ जाएगा अगर ये एंटोर्क BS7 लिए तो आप रेसे डीसर। ये जो सस्पेंशन है ये इतना देखिए रोड ग्रिप दिया गया है, यहाँ तक रोड ग्रिप दिया गया था, इतना से इतना लेंथ तक। और लीन पे ये मतलब कि ऐसा लगता है जो एक साइड का पीछे का इंजन वाला पार्ट साइड पोर्शन ले रहा है, तो क्या फ़ायदा इतना बड़ा ये देखे रोड ग्रिप इतना चौड़ा देखे क्या फ़ायदा जब लीन पे ये सही से ना चले। यहाँ पर जुगाड़ लगा के लगा दिया गया है। अगर आपके तौर पर कुछ ऐसा वैसा प्रॉब्लम होता है उस पर उसको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, डायरेक्ट जुगाड़ मिलेगा TVS शोरूम में। गाइस और एक प्रॉब्लम, पूरा ये सस्पेंशन हिल रहा है, पीछे वाला जो सोकर रहता है पूरा हिल रहा है, थोड़ा देख सकते हैं हाथ से हिल रहा है, तब क्यों नहीं बबल होगा। देख सकते गाइस पैनल के हिसाब से आगे जो फ्रंट है, फ्रंट का पैनल के हिसाब से ये देख सकते हैं इसका सीधा ये रहा, और यहाँ देख सकते हैं आगे का टायर वो सीधा था, और ये आगे टायर इतना ज़्यादा इधर था। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या निकलता है, जबकि ये फर्स्ट पे जब पे गाड़ी लिए थे तब से ये प्रॉब्लम है। आज फर्स्ट सर्विसिंग सेकंड सर्विसिंग में भी बोला गया था, और थर्ड सर्विसिंग ये है इसका वो भी हो रहा है उस पर भी बोला गया, आप देखिए क्या बोलता है। वो जो हैंडल वाला सॉल्यूशन था ये मतलब कि ये था इसका प्रॉब्लम, वो सॉल्व हो गया। बड़ा भयंकर जुगाड़ है। एक लड़का का कमेंट आया था मेरे वीडियो पे जो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो भाई इसका सॉल्यूशन एक ही है, हम बताएंगे अभी थोड़ा देर पे आपको। मस्त सॉल्यूशन है ये जो हैंडल है, ये जो हैंडल है जो जिस साइड पे आपका दिख रहा है अपोजिट साइड जो ज़्यादा भगा हुआ है, जैसे आपको जैसे ये सीधा हुआ ये सीधा हो गया, इस साइड पे लग रहा है जो इधर दबा हुआ है तो इस साइड पे करके यहाँ पे मारिए, अगर इस साइड लग रहा है तो इस साइड करके यहाँ पे मारिए, तुरंत सॉल्व हो जाएगा वो प्रॉब्लम।